नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों दोस्तों लेटेस्ट न्यूज है यूएसए के जो एटोमी के मेंबर है उनके लिए, यूएसए अमेरिका, ठीक है, वहाँ के मेंबर के लिए स्पेशल न्यूज़ है। atomy.com/US, ये जो वेबसाइट आप देख रहे हैं, इसमें क्या है कि यूएसए में जो भी मेंबर रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं या जो इंडिया के मेंबर्स हैं जो यूएसए में रहते हैं और वहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, उनके लिए ये न्यूज़ है कि एक साल तक उन्होंने अगर कोई भी आईडी पर एक भी परचेजिंग नहीं की है अपनी आईडी पे, तो उनका आईडी डिलीट होने की पूरी पूरी संभावना है। ऑटो विड्राउन डेट इन्होंने जारी की है 30 सितंबर, 30 सितंबर तक उनकी आईडी पे जीरो परचेज है, जीरो परचेज और जीरो पीवी है 1 सितंबर 2018 से 30 सितंबर 2019, तो अक्टूबर 3 तक उनके पास टाइम है अपनी आईडी पे परचेज कर सकते हैं, नहीं तो उनकी आईडी सिस्टम से डिलीट हो चुकी होगी। ठीक है, 30 सितंबर तक का सेल्स अगर उनके आईडी पे नहीं है या 3 अक्टूबर तक वो नहीं करते हैं, तो 3 अक्टूबर को उनकी आईडी सिस्टम से परमानेंटली डिलीट हो जाएगी और दोबारा रजिस्ट्रेशन वो इसमें कर नहीं पाएंगे एक साल तक। ठीक है, तो अभी अपने मेन ऑफिस ब्रांच को वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 31 अक्टूबर से पहले पहले अपने अपलाइन के माध्यम से। तो यूएसए के जितने भी मेंबर हैं, अगर उन्होंने अभी तक कोई भी परचेज नहीं किया अपने आईडी के ऊपर, जीरो परचेज है एक साल तक, तो अपने अपलाइन से और अपने ब्रांच ऑफिस से आप कॉन्टैक्ट कीजिए ताकि आपकी आईडी सिस्टम से रिमूव ना हो। आईडी एक्टिवेट रखने के लिए एटोमी में एक साल के अंदर एक परचेजिंग होना बहुत ज़रूरी है, साल में एक परचेजिंग होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी टीम से जुड़ने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।